नमस्कार किसान भाइयों आज का जो विशेष चर्चा है वह है मूंग की खेती के ऊपर मूंग की खेती के ऊपर जो भी शुरू से लेकर अंत तक जो भी कार्यविधियाँ होती हैं जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनके ऊपर हम शुरू से अंत तक एक विश्लेषण एक विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जो भी किसान भाई मूंग की खेती करने वाले हैं या करते आ रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाइयों मूंग की खेती में अगर सबसे पहले हम बात करें तो एक शॉर्ट एज का मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन का कहा जाए तो सत्तर से अस्सी दिन की फसल होती है और यह इतने में ही अच्छा से अच्छा उत्पादन दे करके बेहतर लाभ कमाने का एक फसल है किसान भाइयों अगर इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एम की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा तो लगभग अभी डेट में चौवन सौ से पचपन सौ रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर यह भविष्य में बढ़ सके तो आइए इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे इसकी खेती की किन पद्धतियों से खेती करें क्या क्या इसमें अप्लाई करें किस समय पर क्या टेक्निक हमको अप्लाई करना चाहिए क्या खाद क्या बीज क्या कीटनाशक साइड या स्प्रे किस बारे में तो इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे तो किसान भाइयों अंत तक बने रहिएगा वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें लास्ट में और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मूंग की फसल की बात करें किसान भाइयों तो यह दो सीजनी बोई जाने वाली फसल है पहला वर्षा ऋतु में और दूसरा ग्रीष्मकालीन तो इस समय अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो 15 मार्च तक इसका सही समय होता है बुआई का वैसे फरवरी माह इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है बुआई के लिए अंततः इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर आपने फरवरी माह में इसकी बुआई किए हैं तो किसान भाइयों अगर हम बात करें जलवायु की तो इसको नम और गर्म जलवायु बहुत ही अच्छा होता है लगभग अगर टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिनिमम और अधिकतम होना चाहिए अब बात करें अगर मिट्टी की किसान भाइयों तो दोमट मिट्टी से बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है जिसका पीएच आप सात से साढ़े सात होना चाहिए अगर इसका मिट्टी परीक्षण करवा लें तो और बहुत अच्छा होगा क्योंकि इससे क्या है कि जो पोषक तत्व है जो फर्टिलाइज़र उर्वरक अपने ज़मीन में उपलब्ध है वो हमको पता चल जाता है और उसी हिसाब से हम भूमि में उर्वरक अप्लाई करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अब बात करें अगर खेत की तैयारी की तो खेत की तैयारी विशेषता वही है कि आप गहरी जुताई कर दें एक और मिट्टी को थोड़ा सूखने दें कम से कम तीन चार दिन तक उसके बाद आप पलेवा कर दें पलेवा करने से क्या होगा कि जो भी आपका खरपतवार है वो उग जाएंगे उसके बाद पर्याप्त नमी हो उस समय आप जुताई करें दो से तीन जुताई करें और जो भी खाद आपको डालना है जैसे गोबर खाद हो गया ये आप डाल सकते हैं उनको डाल करके बढ़िया पाटा लगा दें पाटा लगा करके समतल कर दें उसके बाद आप बुआई करना चालू करें अगर किस्मों की बात करें कि कौन कौन सी किस्मों का आप चयन कर सकते हैं तो देखिए आप अपने क्षेत्र के अनुसार अपने एरिया के अनुसार जो किस्म वहाँ जो विकसित हो या जो किस्म वहाँ अधिक से अधिक उत्पादन देने में सक्षम हो वही किस्मों का आप चुनाव करें अगर हम कुछ किस्मों की बात करें तो उसमें से है एक विशाल पूसा विशाल जो कि साठ से पैंसठ दिन का है और 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने में सक्षम है अगर बात करें पीडीएम 11 का तो यह भी पैंसठ से 75 दिन का है 8 से 10 क्विंटल इसका उत्पादन है एच यू एम एक का बात करें तो पैंसठ से 70 दिन का है और 8 से 10 क्विंटल ये भी उत्पादन दे सकता है अगर के आठ सौ इंक्यामन का बात करें तो यह सत्तर से अस्सी दिन की फसल है और आठ से दस क्विंटल ये भी उत्पादन देने में सक्षम है जे एम सात सौ इक्कीस का बात करें तो यह सत्तर से पचहत्तर दिन की फसल है और दस से बारह क्विंटल उत्पादन दे सकता है अगर आई जे एम तीन की बात करें तो पैंसठ से सत्तर दिन की है आठ से दस क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने में है सक्षम है और अन्य किस्में भी हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं उनका आप पता कर सकते हैं एक अलग से वीडियो हम किस्मों के ऊपर लाएंगे जो भी किस्में हैं अभी तक उसमें क्या विशेषताएं हैं उनका हम चर्चा करेंगे तो ये रही किस्मों की बात अब बात करें अगर खाद एवं उर्वरकों की तो इसमें आप अपने एरिया के अनुसार जो भी खाद उपलब्ध हो उसके हिसाब से डाल सकते हैं जो भी उपलब्ध हो उसका मतलब क्या है इन पी के अगर उपलब्ध हो रहा है तो उस हिसाब से डालें एस एस पी के हिसाब से अगर डालना है तो एस एस पी के हिसाब से डालें और अगर आप यूरिया डी ए पी और म्यूरेट ऑफ पोटास अलग अलग डालना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से डालें तो अगर बात करें पहले यूरिया डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास की तो यूरिया आपको 5 से 10 किलोग्राम डीएपी 40 से 50 किलोग्राम और एमओपी आपको 12 से 15 किलोग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप एसएसपी का उपयोग करना चाह रहे हैं तो आप एसएसपी लगभग 70 से 80 किलोग्राम ले सकते हैं और उसी के साथ आप यूरिया लग, लगभग पच्चीस से तीस किलोग्राम ले सकते हैं और उसी के साथ आपको लगभग बारह से पंद्रह किलोग्राम पोटास मिला करके डालना है अगर आप एन से डाल रहे हैं तो साठ से सत्तर किलोग्राम एन आपके लिए पर्याप्त होता है अगर, अगर आप बात करें एक्स्ट्रा की तो एक्स्ट्रा में आपको सल्फ़र और जिंक देना है सल्फ़र भी आप दे सकते हैं लगभग पाँच से दस किलोग्राम प्रति एकड़ अगर आप एस डाल रहे हैं तो वहाँ सल्फ़र आपको देना की आवश्यकता नहीं है अगर, अगर आप एस से नहीं डाल रहे हैं तो आपको दस से बारह किलोग्राम सल्फ़र देना है जिंक की बात करें तो जिंक भी दस से बारह किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है तो इन खादों को आप बुआई के समय विशेष ध्यान रखें डालें और जो भी अपना खाद का प्रबंधन इस प्रकार से करें बुआई करते समय अगर आप छिड़कावा विधि से बुआई कर रहे हैं तो खादों को पहले छिड़क करके जुताई कर दें या फिर अगर आप लाइन से बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लगभग अगर आप बीज तीन से चार सेंटीमीटर गहराई पर डाल रहे हैं तो छः से सात सेंटीमीटर गहराई पर खाद होना चाहिए बीज और खाद साथ में नहीं हो इससे क्या है अंकुरण में आपका जो यूरिया या फिर पड़ जाएगा यूरिया पड़ सकता है दानों पर जो एकदम नाजुक जड़ है वो ख़त्म हो सकता है तो इसका विशेष ध्यान दें बात करें किसान भाइयों बीज दर की तो बीज दर आपको 12 -15 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है बीज दर लेने के बाद बीज की उपचार जरूर करें विशेष रूप से उपचार आपको करना ही है उपचार करने के लिए थायरम ले सकते हैं कैप्टॉन ले सकते हैं या फिर क्लोरोपायरिफॉस ले सकते हैं इनका आप बीज उपचार में ज़रूर इस्तेमाल करें लगभग दो से ढाई ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करें इसके बाद कल्चर से उपचारित करना है कल्चर से उपचारित तभी करें जब आपको बुआई को सात से आठ घंटा बचा हो या बुआई सात से आठ घंटा पहले कल्चर से उपचारित करें इसके लिए एक पैकेट राइजोबियम कल्चर जिसमें दो से ढाई ग्राम आता है दस किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है तो इसका आप उपचारित कर लें उपचारित करने की विधि आपको एक अलग वीडियो में बता दिया जाएगा फिलहाल आप लगभग आधा लीटर पानी में 50 किल पचास ग्राम गुड़ ले सकते हैं चीनी इसको गर्म करके हल्का ठंडा करके मिक्स करके छांव पर फैला दें बुआई की दूरी की अगर बात करें तो लगभग 20 -22 लाएं से 22 सेंटीमीटर आपको लाइन से लाइन की दूरी रखना है और 12 से 15 सेंटीमीटर आपको पौधे से पौधे की दूरी रखना अब है। बात करें अगर खरपतवार नियंत्रण की तो खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले अगर आप डालना चाहें केमिकल तो आप वेसोलिन का उपयोग कर सकते हैं लगभग चार ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चार लीटर पानी पर मिला करके बुखराव करें और अगर बुआई के बाद डालना है तो पेंडामिथिलीन चार सौ ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दो दिन के अंदर आप डाल दें तो इससे क्या है कि खरपतवार का आपका नियंत्रण हो जाएगा अगर नहीं हो पा रहा है तो बीस दिन के अंदर आपको एक और इमेजा थापर करके केमिकल आता है उसका उपयोग कर सकते हैं आप इसका भी आप इसी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं जिससे आपका उस समय क्या है थोड़ा सा ग्रोथ में इफेक्ट आएगा उसके बाद आपको एनपी के उन्नीस 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 या अठारह 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 का छिड़काव कर देना है बाद में ध्यान रहे जब भी इनका छिड़काव करें तो भूमि में नमी जरूर होना चाहिए अब बात करें अगर सिंचाई की किसान भाइयों तो सिंचाई के लिए आप लगभग तीन से चार सिंचाई इसके लिए पर्याप्त होता है फिर भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें जब पौधे को या फसल को जरूरत हो पानी का तब पानी जरूर दें जिससे आप बेहतर उत्पादन ले सकें अब बात करें अगर कीट नियंत्रण की तो इसमें मुख्य रूप से कीट लगते हैं फली छेदक पत्ती छेदक माहू सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स यही सब कीट लगते हैं और मुख्य यही है विशेष कीट तो इनके नियंत्रण के लिए आप मोनोक्रोटोफास हो गया डाई मेथोइड मेरोसिक स्टॉक्स आदि इनका उपयोग कर सकते हैं लगभग 10 से 15 एम प्रति टंकी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं अब अगर बात करें इनमें लगने वाले रोगों की तो इसमें पीला धब्बा रोग पीला पत्ती रोग और एक पर्ण दाग होता है पर्ण दाग जैसे पीला पीला धब्बा आ जाता है दूसरा भभूतिया होता है जैसे को पाउडरी मिल्टू बोलते हैं ये भी लगते हैं तो ये पीला रोग तो लगता है एक थ्रिप्स के कारण या फिर सफ़ेद मक्खी के कारण तो इसका आप उपयोग करें इसका जो कंट्रोल करें और जो केमिकल है मेटोसिक स्टॉक्स का आप उपयोग कर सकते हैं मोनोकोटोफास का उपयोग कर सकते हैं और अगर जो पाउडरी मिल्ड्यू है जो फंगस जैसे आते हैं इनके लिए डा मेथोएड एम फोर्टी फाइव का उपयोग कर सकते हैं और इनसे बेहतर इनका कंट्रोल हो सकता है तो इस प्रकार से जो मूंग की खेती है मूंग में लगने वाले कीट और रोग का भी हमने जानकारी लिया है अब अगर हम बात करें स्प्रे के बारे में स्प्रे जैसे खाद हो गया या टॉनिक की स्प्रे हो गई तो इसके लिए अगर आप हम बात करें तो लगभग 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाए तो आप 18 18 18 या 19 19 उन्नीस का छिड़काव कर सकते हैं इसका एक किलोग्राम मात्रा आप लगभग डेढ़ सौ लीटर पानी पर के घोल करके और छिड़काव करें लगभग एक एकड़ में दूसरा छिड़काव आप फूल आने की अवस्था से पहले जस्ट पहले करना है उसको आपको करना है जीरो बावन चौंतीस का इसमें जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा है यह आपकी पौधों में विशेष ताकत देगा जिससे फूलों की वृद्धि होगी और फूल बहुत ही अधिक लगेंगे जिससे फलियों की संख्या बढ़ेगी इसमें पोटास की मात्रा के कारण अगर लास्ट छिड़काव की बात करें अंतिम छिड़काव की बात करें तो जैसे फलियाँ बननी चालू हो जाएँ या फलियाँ बन चुकी हों आपको जीरो जीरो पचास का उपयोग करना है ये आपको जो फलियाँ हैं उसको मजबूत करेगा दाने में चमक लाएगा अगर आप चाहें तो बोरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो बोरान को भी इसी के साथ मिला करके डाल सकते हैं लगभग 100 से 150 ग्राम और इसका उपयोग कर सकते हैं लगभग 200 लीटर पानी पर मिला करके एक एकड़ में छिड़काव करें तो इस प्रकार से आप टॉनिक का भी उपयोग कर सकते हैं अगर आप सागरिका का टॉनिक डालना चाहें तो उसका भी आप लगभग डेढ़ सौ से दो सौ एम उपयोग कर सकते हैं इन्हीं के साथ मिला सकते हैं जैसे अठारह 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 हो गया या फिर जीरो बावन चौंतीस हो गया या फिर जीरो जीरो पचास हो गया बोरान हो गया इन्हीं के साथ आप सागरिका को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं तो इस प्रकार से मूंग की खेती में एक बेहतर उत्पादन लेने के लिए जो भी हमने चर्चा किया है यही है किसान भाइयों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय किसान